बड़ी खबर, पहले काबुल से 85 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। वहां फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। C-130J विमान 85 भारतीयों को लेकर काबुल से उड़ान भर चुका है। और इस बीच बड़ी खबर अफगानिस्तान से ये भी कि हशमत गनी, जो अशरफ गनी के भाई हैं, तालिबान के साथ हाथ मिलाते हुए। अपडेट फिलहाल इस वक्त अफगानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट के पास अफरा तफरी का भी माहौल है। एक बच्चे की मौत हो गई, ये भी अपडेट है अभी तक का। तो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा, लेकिन उसके बाद से किस तरीके से आए दिन हर दिन हालात बदल रहे हैं। काबुल से जो लोग वहां पर फंसे हुए 85 भारतीय, उनको लेकर फिलहाल एयरफोर्स का विमान उड़ान भर चुका है। पहली खबर काबुल में, ये पहला अपडेट अभी तक का। दूसरा, पूर्व राष्ट्रपति के भाई ने तालिबानियों से हाथ मिलाया है, वो तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी भरे माहौल में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये तीन तस्वीरें काबुल से इस वक्त का पूरा पेज।